हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से विकसित हो रही है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे सवाल भी पैदा होते हैं जिनका उत्तर कभी मिल जाता है और कभी नहीं मिल पाता है। ऐसा ही एक सवाल जो हम सभी के मन में या कभी ना कभी किसी ना किसी के मन में जरूर उठता होगा कि क्या होगा यदि आप एक अंतरिक्ष स्टेशन पर पैदा हों, यानी कि स्पेस में, और आप अंतरिक्ष में रहने के 20 साल बाद पृथ्वी पर वापस आएं तो आपको कैसा महसूस होगा। भविष्य में ये बिल्कुल हो सकता है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन यानी कि गर्भवती महिला स्पेस में जाकर ट्रेवल करे और एक जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में बच्चे को जन्म दे। पर सबसे पहले जानते हैं कि अंतरिक्ष में विकसित होने वाला एक भ्रूण यानी कि फीटस जो है उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो बच्चा जन्म ले वो नॉर्मल तरीके से जन्म ले, लेकिन बहुत सा प्रोसीजर जो है वो मैसी हो सकता है। मैसी का मतलब बहुत ही चकराने वाला, क्योंकि वहां पर जो फ्लूइड्स होंगे वो फ्लोट करने लगेंगे यानी कि हवा में तैरने लगेंगे जीरो ग्रेविटी के कारण। अब हम सभी जानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से मसल्स में और मसल्स डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। इससे स्ट्रेस आता है मसल्स पर ग्रेविटी होने की वजह से, लेकिन जीरो ग्रेविटी में मसल्स के ऊपर अगर कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता है तो मांसपेशियां यानी कि मसल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित नहीं होगी। अब एक बेबी के या शिशु के स्वस्थ विकास के लिए मोशन सिकनेस एक बड़ी समस्या है। शून्य जी वातावरण में यानी कि जीरो ग्रेविटी में हमारे आंतरिक कान में तरल पदार्थ जो हमारे शरीर में संतुलन की धारणा के लिए जिम्मेदार होता है बस चारों ओर तैरता रहेगा, जिससे भटकाव पैदा होगा यानी कि अंतरिक्ष में पैदा हुआ बच्चा ठीक से सुन नहीं पाएगा, यानी कि बच्चे के विकास में काफी तरीके के अड़चने पैदा होगी। जापानी रिसर्चरों ने बताया कि एक प्रयोग के लिए पहले उन्होंने चूहे के शुक्राणु को धरती पर ही ठंड में जमा कर सुखाया था और फिर उसे अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा गया था। अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद जब उन शुक्राणुओं को वापस धरती पर लाया गया तो उनका इस्तेमाल कर धरती पर स्वस्थ चूहे पैदा किए जा सके थे। इस प्रयोग के बाद वैज्ञानिक यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या मानव का शुक्राणु भी ऐसा करने योग्य होगा। वे यह भी जानना चाहेंगे कि क्या इंसान अंतरिक्ष में बच्चे पैदा कर सकेगा और क्या अंतरिक्ष में यानी कि जीरो ग्रेविटी में पैदा हुआ बच्चा जो है क्या वो धरती पर पैदा हुए बच्चे जैसा होगा। भविष्य में ऐसे कई प्रयोग किए जाने हैं जिनमें धरती से कई प्रजातियों के भ्रूणों को यानी कि फीटस को अंतरिक्ष स्टेशन में रखा जाएगा और फिर उन पर पड़े असर को देखा जाएगा। लेकिन रिसर्चर्स संदेह जता रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि स्पेसशिप में मानव संतान पैदा हो भी जाती है तो भी शायद वह ऐसा बच्चा होगा जो सैद्धांतिक रूप से ना तो अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, ना ही चल सकेगा और शायद अपने हाथों का इस्तेमाल कर इधर उधर नहीं जा पाएगा। आपका हार्ट जो ब्लड पंप करेगा वो भी शायद उतने अच्छे तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। क्या इस तरह इंसान खुद मानव की नई तरह की प्रजातियां बना देगा? अगर मान लिया जाए कि धरती के मुकाबले चंद्रमा के 1/6 गुरुत्व या मंगल के 1/3 गुरुत्व में रहकर अंतरिक्ष में पैदा हुए बच्चों की हड्डियां और मांसपेशियां विकास ठीक से कर भी लेती हैं, फिर भी हमारे सौर तंत्र में इंसान के लिए अलग तरह की प्रजातियां विचरण कर रही होंगी। समय रहते सोचना होगा कि क्या अपने सोलर सिस्टम में हम ऐसा भविष्य चाहते हैं या नहीं। अब हमें ये तो पता चल चुका है कि उस बच्चे का जो विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं कि उसका विकास जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है और उसे अंतरिक्ष से वापस धरती पर लेके आया जाए तो कैसा रहेगा। अब मान लिया कि आपने 20 सालों तक अंतरिक्ष में रहकर जीरो ग्रेविटी का सामना किया है यानी कि वहां पर कोई भी ग्रेविटी नहीं थी, तो आपकी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में चीजें जो है आपको उड़ती हुई ही नजर आएंगी। आप सीमित संसाधनों की दुनिया में रहेंगे और आपको बहुत समय तक बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी बच्चे को 20-25 साल के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसने सिर्फ उस कमरे की चार दीवारी, अंधेरा या जो भी चीज उसमें रखी हुई है उसी ही जाना है। यानी कि अगर आप अंतरिक्ष में 20-25 साल तक रहे थे तो वहां पर सिर्फ आपने एस्ट्रोनॉट्स को देखा था, सितारों को देखा था या अन्य ग्रहों को या अन्य चीजों को देखा था जो फिजिक्स से रिलेटेड थी। उसी तरीके से
उस बच्चे ने भी सिर्फ काला अंधेरा और चार दीवारी देखी थी। और अगर इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करके हम उन दोनों बच्चों को बाहर निकालते हैं, बाहर की दुनिया में लेकर आते हैं, तो ये बिल्कुल उनके लिए अलग ज़िंदगी होगी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसी भी लाइफ को एक्सप्लोर नहीं किया था। खैर, अब भी ये सिर्फ बातें ही हैं करने के लिए, सच्चाई तो तभी देखी जाएगी जब सच में ऐसा होगा। तो यारो, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन आप जल्दी से जल्दी देख सकें।